हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को ब्लड वेसल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के बारे में यानी आपका मेन हेडिंग है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ह्यूमन बीइंग में मेनली तीन प्रकार के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में भी अदर वर्टिब्रेट्स में भी तीन प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं। कौन कौन होते हैं अगर उनको देखा जाए तो नंबर वन होता है आर्टरी, नंबर टू होता है वेन और नंबर थ्री होता है कैपिलरीज। नंबर वन आर्टरी, दूसरा होता है वेन और तीसरा होता है कैपिलरीज। ठीक है, तीन आर्टरी, वेन और कैपिलरी। तो इसमें अब हम लोग पहले आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे, आर्टरी का कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, तब इसके बाद वेन, फिर इसके बाद कैपिलरी। आर्टरी अगर पढ़ते हैं तो ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स तक ब्लड को ले जाती हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं आर्टरीज। द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे from the heart to various organs of the body are called arteries। उनको हम लोग आर्टरीज कहते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टरीज अब देखें हम, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आर्टरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। पहला तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से आर्गन तक ब्लड ले जाती हैं। इसमें आप नंबर वन ये देखते हैं कि इसमें यानी आर्टरी में हार्ट के द्वारा हाई प्रेशर पर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, इन आर्टरीज ब्लड इमर्जेस फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर।
इसका मतलब इट मींस आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर पर फ्लो करता है. इट मींस मींस इन आर्टरीज आर्टरीज ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर. और ब्लड आर्टरी में ब्लड हाई प्रेशर पर फ्लो होने के कारण ही जो आर्टरी की वाल होती हैं, दीवार होती हैं, वो थिक एंड इलास्टिक होती हैं. नंबर टू लिख सकते हैं, आर्टरीज हैव द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स बिकॉज बिकॉज ब्लड इमर्जेस फ्रॉम हार्ट ब्लड बिकॉज इन आर्टरीज द ब्लड फ्लो एट हाई प्रेशर. हाई प्रेशर होता है. और नेक्स्ट डिफरेंस होता है कि आर्टरी में वाल्व्स नहीं पाई जाती हैं. वाल्व्स आर एब्सेंट इन आर्टरीज. आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होती हैं, ठीक है. और नेक्स्ट डिफरेंस ये होता है कि मोस्ट ऑफ द आर्टरी, ज़्यादातर आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है एक्सेप्ट टू पल्मोनरी आर्टरी. नंबर फोर, मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी O2 रिच ब्लड. एक्सेप्ट टू पल्मोनरी आर्टरी. और ज़्यादातर आर्टरी हम लोग देखते हैं वो हार्ट के वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती हैं. यानी आर्टरीज आर कनेक्टेड विथ आर कनेक्टेड विथ वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट. ऑफ हार्ट, हार्ट के वेंट्रिकल से जुड़ी होती हैं. यह आर्टरीज की करेक्टरिस्टिक होती है. अब नेक्स्ट आता है वेंस. वेंस को हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे.